আর কয়েকদিন বাদে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দলগুলি। শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পিছিয়ে নেই শাসক দলও। শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারে কর্ণাটককে পা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শনিবার বিদুরের হুমনা বাদে বিজেপির সভায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের সাম্প্রতিক মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতারা 91 বার আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। এরপরে কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, শুধু আমার উদ্দেশ্যে নয়, কংগ্রেসের নেতারা বীর সাভারকর, বাবা সাহেব আম্বেদকর সম্পর্কেও অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে বৃহস্পতিবার কালবুর্গিতে একটি নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিষধর সাপের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কংগ্রেস হর উস ব্যক্তি সে নফরত করতি হ্যায় জো সামান্য মানবী কি বাত করতা হ্যায়, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय, अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। इसने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा, कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी, कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है, चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस
गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। পরে মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন খারগে। নিজের বক্তব্যের সাফাই দিয়ে জানান, মোদী নয় আসলে বিজেপি বিষাক্ত সাপের মতো, মুখ ছোয়ালে অবধারিত মৃত্যু। আগামী 10ই মে 224 আসনে কর্ণাটক বিধানসভায় এক দফার ভোট গ্রহণ, 13 মে হবে গণনা। ব্যুরো রিপোর্ট, আরই নিউজ।